हेलो बच्चों, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। बच्चों, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और वहाँ से हमें आंसर मिला था आर इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाओ, जिसके बिहाफ पे हमने कहा था बेटा कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, सेकेंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, थर्ड वन इज ये डिपेंड कर रहा है नंबर डेंसिटी पे, और नंबर डेंसिटी डिपेंड करती है नेचर पे, दैट इज स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमने डायरेक्ट कह दिया रेजिस्टेंस नेचर पे डिपेंड करेगा, एंड फोर्थ वन इज आर डिपेंड्स ऑन टाओ एंड टाओ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो वी कैन से रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड नाउ वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं? तो आंसर है रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन थ्री वेज। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकेंड वन इज पैरेलल, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड, सीरीज एज वेल एज पैरेलल बोथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बेटा यहां हमने एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर वन, सेकेंड रेजिस्टेंस आर टू, एंड थर्ड रेजिस्टेंस आर थ्री एंड टू एंड कनेक्ट किए हुए हैं, और इन तीनों को एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और जैसे करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज दिस पॉइंट ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, सो फ्लो ऑफ करंट इज डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट चलेगा कुछ इस तरह से, तो इन पॉइंट्स के बीच में भी एक डिफरेंस होगा, इनके बीच में भी और इनके बीच में भी, एंड वी अज्यूम दैट इज वी वन वी टू एंड वी थ्री बी द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस आर वन आर टू एंड आर थ्री। सो वी कैन से सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन विच करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, लेकिन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग है, उसको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम दिया। सो वी हैव टू फाइंड आउट नेट वी एंड विच इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, वेयर वी वन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड विच इज इक्वल टू आई आर वन, वी टू आई आर टू, वी थ्री आई आर थ्री, एंड वी आई आर एस, आर एस रिप्रेजेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन। और बच्चों यहां से आई कॉमन लेके लेफ्ट वाले आई से हम कैंसिल आउट कर दें, सो फाइनली वी गेट आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें इस तरह से किसी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस गिवन हो और हमसे कहा जाए वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उस केस में इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं दिस इज फोर, दिस इज थ्री एंड दिस इज टू, तो आपका आंसर होगा फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन, तो इस सर्किट का इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज नाइन ओम, मीन्स बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वाई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बेटा हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किसके होता है, लेंथ के होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लेंथ L सपोज, ये भी लेंथ L सपोज, ये भी लेंथ L, और हमने इन तीनों वायर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ 3L, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, तो इसके एरिया में कोई चेंज नहीं आया, लेंथ जो है वो ट्रिपल हो गई है, मीन्स बढ़ गई है, और लेंथ बढ़ने की वजह से ही हमने क्या कहा है रेजिस्टेंस बढ़ गया है। सो दिस इज द कॉज कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होता है, तो हमारा आंसर होगा लेंथ जो है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से। नाउ सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच करंट फ्लोइंग अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज डिफरेंट बट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वो कॉम्बिनेशन बेटा जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा है सभी के अक्रॉस वो अलग अलग है लेकिन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मतलब यहां से करंट चला आई
और वो करंट यहाँ पर आके थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्योंकि तीन ब्रांचेस हमें गिवन है। इधर गया सपोज आई वन, इधर आई टू और इधर आई थ्री, तो ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इसके लिए ये हायर है बेटा, ये लोअर है, और इसके लिए ये हायर है, ये लोअर है, और तीनों के जो हायर पोटेंशियल्स हैं वो किससे कनेक्ट हैं, बैटरी के पॉजिटिव से, और तीनों के लोअर पोटेंशियल जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव से। मतलब इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो इस बैटरी की ईएमएफ है। सो नेट करंट आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, एज वी इक्वल टू आई आर, देन आई इक्वल टू वी बाई आर। सो आई वन वी बाई आर वन, आई टू वी बाई आर टू, एंड आई थ्री वी बाई आर थ्री। इन सभी को रखें फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें मिलता है बेटा I इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री, और इस I को रिप्लेस कर दिया हमने V बाई आर पी से, आर पी पैरल कॉम्बिनेशन, और यहाँ से हमने V कॉमन लेके लेफ्ट से कैंसिल आउट कर दिया। सो फाइनली वी गेट 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में हमेशा डिक्रीज होता है। इसका रीजन क्या देंगे बच्चों हम, जैसे पहले केस में हमने बताया था कि जस्ट लेंथ बढ़ गई थी, इस बार देखें जरा, इसकी लेंथ एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, जो भी है वट एवर, तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर इनका जो इफेक्टिव एरिया है कुछ इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं इन दिस वे, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो बढ़ गया है, और इसकी वजह से ही हमने बोल दिया क्या कि एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। हमारे जो घरों में कनेक्शन हैं बेटा वो किस में होते हैं, तो आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक प्लग ऑन किया, दूसरा ऑन किया, तीसरा ऑन किया, तो वैसे वैसे हम बोलेंगे क्या कि ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। अब बच्चों न्यूमेरिकल्स में आप कैसे पता करेंगे सीरीज है पैरेलल है, तो आंसर है करंट को फ्लो करवा के। हम करंट फ्लो करेंगे बैटरी से और उसके बाद देखेंगे कि वो करंट जो है डिवाइड हो रहा है या सेम फ्लो कर रहा है। जैसे समझने के लिए हमने माना एक सर्किट ले लेते जरा, हम कुछ इस तरह से हमने सर्किट मान लिया इस तरह से, ये हमने सर्किट मान लिया, और आपसे कहा जाए सपोज दिस इज द 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 4 ओम, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो बेटा यहां से हमने माना करंट चला आई, अब जरा सोचें वो करंट इस पॉइंट सपोज ए पे आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। इधर कितना गया हमने मान लिया अपने तरफ से आई वन, और इधर कितना गया सपोज हमने मान लिया आई टू, तो इसका मतलब दो पार्ट में करंट डिवाइड हो गया, इस तरफ आई वन इस तरफ आई टू, दोनों करंट कहाँ जाके मिलेंगे, इस पॉइंट बी पे जाके मिलेंगे। इसमें करंट कितना बेटा आई वन, इसमें भी कितना आई वन, क्यों, क्योंकि यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा करंट का, तो इसका मतलब इन दोनों में करंट जो है वो सेम है, और जिसमें करंट सेम जाता है वो सीरीज कहलाता है। तो इस टू और इस टू का सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज आर एस, आर वन प्लस आर टू, तो 2 प्लस 2 4, तो इन दोनों का आ गया आंसर हमारा 4 ओम। सेम इसी तरह से नीचे इसमें गया आई टू, इसमें भी आई टू, क्योंकि यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, इन दोनों में सेम करंट है, ये दोनों भी किस में बेटा सीरीज में, तो 4 प्लस 4 8, तो ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा इस तरह से, ये आ गया। तो इसका मतलब हमने दो दो को सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये दोनों किस में होंगे बच्चों, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या बेटा हमारा 1 बाय आर पी इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू, एलसीएम कितना आया बच्चों 8, 2 प्लस 1 दैट इज 3 बाय 8, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय आर पी। इसको उल्टा कर दें हम, तो आर पी कितना आ जाएगा 8 बाय 3 ओम, तो ये हमारा आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू। और देखें जरा, सपोज आपको गिवन है बेटा कुछ इस तरह से,
कुछ इस तरह से हमें सर्किट दे रखा है ए एंड बी, और आपसे कहा जाए कि हमें इस ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वैल्यू जो मर्जी ले लें, हम कुछ ही मान लेते हैं आप इसकी, 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब ज़रा सोचें, हमें ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है, तो क्या करें, सबसे पहले एक बैटरी को कनेक्ट कर दें इन पॉइंट्स के बीच में, नो मैटर किस तरफ पॉजिटिव लिया किस तरफ नेगेटिव। अब बेटा यहाँ से करंट चला आई, अब आप सोचेंगे ये करंट आई कहाँ पर डिवाइड होगा, तो आंसर है इस पॉइंट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, इधर हमने मान लिया गया आई वन और इधर हमने मान लिया गया आई टू। अभी आई वन चला यहाँ पर, और एक बात और ध्यान रखना है, सारे करंट को घुमा के हमें इस तरफ लेकर आना है, जो हम आगे स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लॉ के अंदर, कि जितना करंट बेटा यहाँ से जाता है उतना ही करंट यहाँ से वापस भी आता है। ऐसा नहीं कि ये आई टू यहाँ जाके इधर चला जाएगा, नो। तो यहाँ से आई वन गया, यहाँ से आई टू गया, ये आई वन यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँच के ये आई वन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इस तरफ हमने मान लिया सपोज आई वन डैश और इस तरफ मान लिया हमने आई वन डबल डैश। अब ये आई वन डैश गया इधर इसमें, अब आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें भी यही जाएगा और इसमें भी यही जाएगा, तो इसका मतलब इन तीनों में करंट क्या होगा, सेम, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3 3 3 का आंसर क्या आ गया बच्चों, 9। तो इसका मतलब यहां से इन तीनों का आंसर कितना आ गया बेटा, दैट इज 9 ओम। अब आप खुद सोचें ये 9 और 4 किस में है, ये पैरेलल के अंदर, आप इन दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। सपोज ये हमारा आ गया, आ रहा आ गया, हमने मान लिया दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस। उसके बाद सर्किट में देखें जरा ध्यान से, अब इन दोनों का जो भी रेजिस्टेंस आया उसको हम यहां रख देंगे इसकी जगह जो आ रहा आ गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, सेम उसी तरह से देखें, ये तीनों फिर से किस में आ गए बेटा, ये तीनों फिर से हमारे सीरीज में आ गए हैं। तो सेम इसी की तर्ज पे इन तीनों को सोल्व करेंगे हम, इनका जो आंसर आएगा वो आंसर इस टू के साथ किस में आ जाएगा, कुछ ऐसे, इसको मान लेते हैं आर डैश मान लेते हैं, अब इसका जो आंसर आया आर डैश ये इस टू के साथ किस में आएगा बच्चों, पैरेलल में, इन दोनों सोल्व करोगे, और वो जो आंसर आएगा वो इन टू और इन टू के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। मतलब आपने इन दोनों सोल्व किया, ये हमने मान लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन से आर डबल डैश आ गया, अब ये तीनों किस में आ गए बच्चों, सीरीज के अंदर आ गए। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो करंट के फ्लो से हम डिसाइड करेंगे कि करंट सेम फ्लो कर रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से वापस भी आएगा, जिसको हम आगे स्टडी भी करेंगे किरचॉफ्स लॉज के अंदर।